हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक। तो फाइनली Redmi Note 5 Pro का Android Pie का तीसरा बिल्ड आपको देखने को मिल चुका है। जो भी बीटा यूज़र हैं, आप अपने सिस्टम अपडेट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको 9.4.18 का अपडेट मिल गया होगा। और यहां पर अगर आपको नहीं मिला तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करें, आपको 9.4.18 का अपडेट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीकली अपडेट है 296 MB का, और इसका चेंज लॉग जो है पुराने वाले चेंज लॉग से काफ़ी अलग देखने को मिल जाता है। और कुछ बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है, और कुछ आपको न्यू फीचर्स भी इस अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्या फिक्सेस किए गए हैं और आपको क्या नया फीचर्स आपको 9.4.18 का वीकली अपडेट एंड्रॉइड पाई का अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसे डाउनलोड करना होगा, जो कि है 296 MB का। उसके बाद मैं आपको जो भी फिक्सेस है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में फिक्सेस बता दूं। यहां पर वॉलपेपर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम था, सेकंड स्पेस के अंदर उसे फिक्स किया गया है। और दूसरा, फेस अनलॉक के अंदर एनिमेशन जो था इमोजी वाला, वो सही से वर्क नहीं करता। और तीसरा, आपको बैटरी से रिलेटेड यहाँ पर फिक्सेस था जिसे कंप्लीट कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 9.4.18 का ये अपडेट है, इसे पूरी तरह से डाउनलोड यहाँ पर मैंने कर लिया है। और उसके बाद रिबूट नाउ पर प्रेस करके मैं यहाँ पर 9.4.18 के रोम पर बिल्कुल पूरी तरह से आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है। और मैं आपको सिस्टम अपडेट में जाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी चेंजेस हैं आपको लास्ट के अपडेट की तरह है, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और अबाउट फोन में यहाँ पर न्यू सिक्योरिटी पैच लेवल जो है अपडेटेड आपको देखने को मिल जाता है मई का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको पूरी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर Redmi Note 5 लिखा हुआ आपको कुछ दिनों से आ रहा है। हो सकता है ये बग है और फ्यूचर में इसको फिक्स कर दिया जाए और Redmi Note 5 Pro यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट में लिखा हुआ दिख जाए। उसके बाद यहाँ पर फेस अनलॉक का प्रॉब्लम था, यहाँ पर उसे फिक्स कर दिया गया है। जैसे आप फेस की तरफ यहाँ पर दिखाते हैं तो ये जो इमोजी है वो आपको टिक हो जाता है, मतलब कि आपके फेस को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये फिक्सेस भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ कि यहाँ पर डार्क मोड का फीचर अभी भी अवेलेबल है, जो कि एंड्रॉयड पाई में आपको देखने को मिल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले के सेक्शन में आपको वॉलपेपर के सेक्शन में जो फिक्सेस था उसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। और सेकेंड स्पेस के अंदर में जो फिक्सेस था उसे भी कंप्लीट कर लिया गया। इसके अलावा आपको 9.4.18 में जो भी फीचर्स देखने को मिलता है वो पुराने अपडेट जो कि है 9.4.12 लगभग सभी वही फीचर्स आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। चाहे आप लॉक स्क्रीन की बात करो, या फिर आप होम स्क्रीन की बात करो, या आप ऐप होल्ड की बात करो, डार्क मोड यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बैटरी के अंदर आपको यूज़ अडेप्टिव बैटरी का भी ऑप्शन मिलता है सभी बीटा यूज़र को। और यहाँ पर ये सारे आपको चेंजेस किए गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है इसमें कैमरा का जो शटर स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कैमरा सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहां पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, काफ़ी आसानी से यहां पर फोटो क्लिक हो जा रहा है और काफ़ी बढ़िया आपको सैम्पल पिक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि वही आपको कैमरा देखने को मिलता है सेम टू सेम, जो कि आपको 9.4.12 में देखने को मिल जाता है। रिव्यू वाले वीडियो में आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क होता है तो मैं आपको बता दूंगा। पोर्ट्रेट मोड का भी वही है, यहाँ पर अच्छे से फोकस करेंगे तो शटर स्पीड काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है इमेज प्रोसेस टाइम के साथ। यहाँ पर लेके चलता हूँ सेटिंग में और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग अभी आपको FHD 1080 के अंदर 30 FPS और 60 FPS के अंदर आपको देखने को मिलता है। 4K का सपोर्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलता है। कैमरा सेक्शन में आपको गूगल लेंस का सपोर्ट नहीं मिलता है। वही सारे फीचर्स है जो कि 9.4.12 के अंदर में देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कि इस अपडेट के अंदर आपको क्या नया देखने को मिल जाता है। तो इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें से एक फीचर है डिजिटल वेलविंग का, और ये लगभग स्टॉक एंड्रॉयड के जितने भी एंड्रॉयड 9 के फ़ोन है सब में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पबजी में ना तो HD का सपोर्ट मिलता है और ना ही आपको कैमरा टू API इनेबल करके आपको देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन स्टाइल में आप एंड्रॉयड MIUI किसी में एक में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेकार की चीज़ें हैं, जो भी आपको यहाँ पर मिसिंग फीचर्स है उसको यहाँ पर एक्टिव नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो
फेस अनलॉक है उसके अंदर, मतलब कि ऐप लॉक के अंदर आप फेस अनलॉक से अपने एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से भी उसे आप लॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं इस डिवाइस के लिए या फिर किसी भी डिवाइस के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सेफ हो जाता है। इसके अलावा जो डिजिटल वेबिंग का जो सपोर्ट है, इसका जो नाम है वो दूसरा है, यानी कि आपको सर्च में जाकर यहाँ पर सर्च करना होगा स्क्रीन टाइम आपको सर्च करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको डिजिटल वेबिंग का सपोर्ट की तरह ही आपको यहाँ पर टेबल बनता हुआ दिख जाएगा और आपका स्क्रीन टाइम कितना है वो आपको हर एप्लीकेशन का यहाँ पर बनता हुआ दिख जाता है। तो ये कमाल का फीचर्स है इस अपडेट में, और बाकी मैं इसका रिव्यू वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या कुछ फिक्सेस किए गए हैं, इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसका कैमरा का सैंपल कैसा है और कौन कौन सा नया फीचर्स आपको माइनर देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये नया अपडेट 9.4.18 का मिला है बीटा अपडेट वालों के लिए और यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे देखते रहें हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक।